बसमिल एवरीवन डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ योर काउंट डाउन क्लास एंड आई एम हेयर टू गिव यू टास्क ऑफ़ काउंट डाउन फॉर ग्रेड फाइव ओके स्टूडेंट्स नाउ ओपन योर काउंट डाउन बुक्स पेज नंबर ट्वेंटी ओके स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव किया था जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर फोर एंड नंबर डिस्कस किए थे आज हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट इट डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर एट रिमेंबर थाउजेंड टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड आर द मल्टीपल्स ऑफ एट देअर फॉर इफ द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ नंबर आर ज़ीरो दैन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई एट जिन नंबर्स के लास्ट में लास्ट मतलब लास्ट थ्री जीरोज़ आ जाएँ जिन नंबर्स के लास्ट में थ्री जीरोज़ आ जाएँ इट मीन्स कि वो नंबर डिविजिबल बाई एट होगा If a number does not end with the three zeros, then we check the divisibility rule as follows. अगर digits के लास्ट में three जीरो नहीं आते या वो नंबर नॉन ज़ीरो उन नंबर के लास्ट में नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं तो फिर हमने क्या चेक करना है us take the number six one two eight as an example and check whether it is divisible by eight or not. एक नंबर आपको दिया गया है विच इज़ सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट अब आपने ये चेक करना है कि ये डिविजिबल बाई एट है या नहीं सो so, इसके लिए हम क्या करेंगे लुक एट द डिजिट्स इन द टेंस एंड प्लेस आपने लास्ट थ्री डिजिट्स को देखना है विच इज वन ट्वेंटी फॉर्म इज वन ट्वेंटीबल बाई एट अगर हम वन ट्वेंटी एट को 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिविजिबल है येस इट इज डिविजिबल टली डिविजिबल बाईट सो सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी डिविजिबल बाई एटर इज डिजिबल बाई एट इफ़ द नंबर फॉर्म बाई द लास्ट थ्री डिजिट इज़ आ मल्टीपल ऑफ एट और देर आर जीरो हंड्रेड टेंस एंड वन प्लेस सो डिजिबिलिटी रूल फॉर नंबर एट के लिए क्या कंडीशन हैं कि लास्ट थ्री जो है वो आपके पास ज़ीरो होने चाहिए लास्ट थ्री नंबर्स जो हैं वो आपके ज़ीरो होने चाहिए सेकेंडली या फिर लास्ट थ्री डिजिट्स जो हैं आपके पास अगर वो डिविज वो लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय एट हैं तो हम कहेंगे कि होल नंबर द ओरिजिनल नंबर इज़ आल्सो डिविजिबल बाय एट सो so, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एट चेक करने के लिए आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं अगर रिमाइंडर जीरो है तो इट मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय एट सो so, इस नंबर को आपने चेक करना है रफ नोटबुक पे डिवीजन करनी है और फिर उसको चेक करना है उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर नाइन इफ़ वो थिंक ऑफ मल्टीपल्स एट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ सच नंबर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ़ नाइन और एग्जैक्टली डिविजिबल बाई नाइन अगर हम ये देखते हैं अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है तो अगर आप उनको समअप करते हो उन डिजिट्स को समअप करते हो और सम करने के बाद जो आंसर आता है वो नंबर अगर फैक्टर है नाइन का तो आप कहोगे कि ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय नाइन

लेटस्ट टेक अ नंबर टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एट जब इन तमाम नंबर के जो डिजिट है उनको एडअप किया तो एटीन आंसर आया विच इज डिजिबल बाई नाइन हैंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट इज डिजिबल बाई नाइन इफ़ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एडअप टू अंबर विच इज एक्टली डिविजिबल बाई नाइन दैन द ओरिजिनल नंबर इज ऑल्सो डिजिबल बाई नाइन कोई भी नंबर आपको दिया जाए उनके डिजिट्स को ऐडअप करने से अगर आपके पास मल्टीपल ऑफ नाइन आ जाए तो इट मीन्स के ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय नाइन यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी गई है इसको भी आप इन्होंने चेक करने के लिए डिवाइड किया है आप इसको रफ़ नोटबुक में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं सो so, आज हमने जो रूल्स डिस्कस किए हैं आज हमारे रूल्स डिविज़िबिलिटी रूल कंप्लीट हो चुके हैं और हमने डिविज़िबिलिटी uh, रूल में किन किन रूल्स uh, को डिस्कस किया डिविजिबिलिटी रूल फ़ॉर नंबर फोर फ़ॉर नंबर सिक्स फ़ॉर नंबर एट एंड फॉर नंबर नाइन